नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे स्टार्टअप इंडस्ट्री से, जहां पर दोस्तों काफी लंबे समय के बाद एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडियन राइड हेलर प्लेटफॉर्म रैपिडो ने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों रैपिडो के बारे में मोस्टली सब जानते ही होंगे, क्योंकि काफी फेमस स्टार्टअप है। अभी सीरीज ई फंडिंग राउंड में इन्होंने $120 मिलियन की फंडिंग उठाई है, जिसके चलते इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर चली गई है। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो नहीं बताई गई है, लेकिन यूनिकॉर्न तो ये बनी गए हैं। इससे पहले लास्ट फंडिंग इन्होंने 2022 में उठाई थी $180 मिलियन की। इस नई फंडिंग को लेकर इनका कहना है कि ये टेक्सटेक और एक्सपांशन के ऊपर खर्च की जाएगी, जिसके चलते और अलग अलग सिटीज में इनकी ऑटो और कैब सर्विस को लॉन्च करेंगे। वो सिटीज जहाँ पर ओला और उबर ऑलरेडी कम्पीट कर रही हैं, उनके साथ में जाकर ये भी कम्पीट करेगी और पहली बार वहां पर उनका सिस्टम लॉन्च करेंगे। वैसे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको अभी एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो एक नए मेडिकल डिवाइस पार्क को सेटअप करेंगे। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट खुद इसको सेटअप करने वाली है, तो इसकी पूरी की पूरी फंडिंग उन्हीं के द्वारा की जाएगी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश पहले से ही जाना जाता है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बड़े स्केल पर यहां पर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी जस्ट 1-2 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहां पर एक ड्रग पार्क को लेकर फाउंडेशन भी रखा गया था, उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क यहां पर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ में यह बनेगा, जो फैला हुआ 265 एकड़ के एरिया में, जिसमें से 25% लैंड मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिजर्व रखी जाएगी, जबकि 75% लैंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए होगी, जहां पर आगे चलकर एक इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप किया जाएगा। मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो भी यूनिट्स यहां पर बनेगी और जो भी कंपनीज यहां पर उनके प्लांट सेटअप करती हैं, उनको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत इसको डेवलप किया जाएगा और कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपीज यहां पर खर्च किए जाएंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पहले हिमाचल प्रदेश सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको डेवलप करने वाली थी, पर क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार को लगा कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं जिसके चलते उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद से ही इस मेडिकल डिवाइस पार्क को बनाएंगे और जो 30 करोड़ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एलोकेट किए थे, उसको भी अब वापस किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट ओडिशा से है, जहां पर दोस्तों ओडिशा में एक मेगा स्टील प्लांट को लेकर लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो चुका है, और अगर ये स्टील प्लांट बन जाता है तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होगा। दोस्तों बेसिकली स्टील प्लांट आरसीएल मित्तल निपोन स्टील इंडिया लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 24 मिलियन टन पर एनम के आसपास होगी। गुजरात के हजीरा में जो स्टील प्लांट अभी इन्होंने एक्वायर किया है, उसकी कैपेसिटी भी इतनी होने वाली है, और वो भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होगा। दोनों प्लांट्स इस पोजीशन को शेयर करेंगे जब ये बन जाते हैं। इस प्लांट की बात करें तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा, और अभी 1281 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर करने के लिए लैंड नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लैंड एक्विजिशन की, और जब ये लैंड एक्वायर कर लेते हैं तो फिर ये इस कंपनी को सौंपी जाएगी स्टील प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए। और दोस्तों ये प्लांट काफी बड़ा होगा, तो इसके कंस्ट्रक्शन से पहले यहाँ पर हमें कई हर्डल्स देखने को भी मिल चुकी हैं। 2021 में इसको लेकर एमओयू साइन हो गया था, और अभी 2-2.5 साल से कुछ खास काम हुआ नहीं था, पर क्योंकि अब लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो ही गया है तो जल्द इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए एनएचएआई ने एक नए फ्लाईओवर के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। और एक बार जब फ्लाईओवर बन जाता है तो दिल्ली से द्वारका और रेवाड़ी के बीच रोड कनेक्टिविटी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी, साथ साथ जो हाई स्पीड ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी सीमलेस होती हुई दिखाई देगी। तो उससे फ्लाईओवर स्पेसिफिकली द्वारका एक्सप्रेसवे को अंडर कंस्ट्रक्शन गुरुग्राम रेवाड़ी हाईवे से कनेक्ट करेगा। 2 लेन का ये यूनिडायरेक्शनल फ्लाईओवर होगा, जिसकी विड्थ 11 मीटर के आसपास होगी, जबकि लेंथ 183 मीटर के आसपास होगी। ओल्ड पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन के पास उसको बनाया जाएगा। अभी अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर जिस एरिया में इसका कंस्ट्रक्शन किया जाना है, वहां पर जो ओवरहेड पावर लाइंस हैं उनकी शिफ्टिंग की जाएगी, और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। और आप कह सकते हैं कि मार्च 2025 के आसपास ही फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा। अगली दो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक और पम्प्ड स्टोरेज प्लांट को अप्रूवल दे दिया है, और ये प्लांट यूपी में THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। तो उसे पम्प स्टोरेज प्लांट एक बड़े स्केल का प्लांट होगा, जिसकी कैपेसिटी 1.2 गीगावाट के आसपास होगी, यानी कि 1200 मेगावाट के आसपास होगी। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के रॉबर्ट्सगंज तहसील में इसको बनाया जाएगा, जो फैला होगा 300 हेक्टेयर के एरिया में। ये एक ऑफ स्ट्रीम और क्लोज लूप वाला पम्प स्टोरेज प्लांट होगा, जिसको चलाने के लिए 15.031 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर एनुअली चाहिए होगा। और अभी क्योंकि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 6,600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी, और एक बार जब ये बन जाता है तो हजारों की संख्या में घरों में ये पावर सप्लाई की जा सकेगी, क्योंकि डेली इसके थ्रू 6 घंटे और 36 मिनट तक पावर जनरेट की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहां पर दोस्तों ट्रैफिक कंजेशन को लेकर BBMP के द्वारा एक ओवर स्विच यहां पर हमारे सामने रखा गया है, और यहां पर उनके द्वारा ट्विन टनल्स को बनाने की बात की गई है।
दोस्तों अभी मैंने जैसे आपको कल ही बताया था कि बीबीएमपी ने ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए 17 अलग अलग एलिवेटेड कॉरिडोर्स प्लान किए हैं जो कि अगले 4-5 सालों के अंदर अंदर 12,000 करोड़ रुपीज खर्च करके बनाए जाने हैं। पर दोस्तों बेंगलोर की ट्रैफिक प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमें बेंगलोर में बड़े स्केल पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर लैंड की शॉर्टेज है तो ऐसे में एलिवेटेड कॉरिडोर्स और टनल्स ही सुटेबल ऑप्शन निकल कर आते हैं जिसमें टनल्स के ऊपर खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। अभी हाई डेंसिटी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को लेकर टनल्स प्लान की गई है। पहले प्लान ये था कि यहाँ पर सिंगल ट्यूब की टनल बनाई जाएंगी लेकिन जब इसकी फिजिबिलिटी गई तो वहाँ पर ये पाया गया कि ट्विन ट्यूब की टनल ज्यादा बेहतर होंगी और कोस्ट में भी कोई ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं आएगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हेबल जंक्शन से सिल्क बोर्ड जंक्शन के बीच में है और यहाँ पर 24.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा जिसमें 18.5 किलोमीटर की टनल्स होंगी जबकि रिमेनिंग अप्रोच रोड्स होंगे। हर टनल में 3 लेन्स बनाई जाएंगी व्हीकल्स के लिए और इस टनल के ऊपर 12,690 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे और अगर ये सिंगल ट्यूब के टनल होती तो यहाँ पर 11,065 करोड़ रुपीज खर्च करने पड़ते। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर केआरपुरम से मैसूर रोड के बीच में है और यहाँ पर भी 30 किलोमीटर की नई टनल बनाई जाएगी और ये भी अगेन एक ट्विन ट्यूब टनल ही होगी। 18,000 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। दोनों को मिलाकर टनल्स की लेंथ 54.5 किलोमीटर के आसपास होगी और 32,700 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जाएंगे यानी कि ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर की कॉस्ट 600 करोड़ रुपीज के आसपास आएगी। और अभी जो इसकी फिजिबिलिटी तैयार कर ली गई है 5 करोड़ रुपीज खर्च करके उसी के बेसिस पर बीबीएमपी ने बजट में 200 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए हैं ताकि इसकी डीपीआर प्रिपेयर की जाए और अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर बीबीएमपी इसके लिए कंसल्टेंट को भी हायर करने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट एफडीआई को लेकर है जहां पर दोस्तों पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में जो एफडीआई है उसको लेकर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर डेटा हमारे सामने रख दिया गया है और यहां पर यह बताया गया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में ओवरऑल एफडीआई इनफ्लो $70.95 बिलियन का रहा है। उसे लास्ट ईयर आप जानते हैं कि एफडीआई के लिए पूरी दुनिया में ही उतना बेहतर नहीं रहा है और भारत में भी सेम ही कंडीशन थी। भले ही भारत में ग्रोस एफडीआई $71 बिलियन के आसपास रिकॉर्ड की गई हो लेकिन जो नेट एफडीआई इनफ्लो था उसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। नेट एफडीआई इनफ्लो सिर्फ $26.5 बिलियन का रहा था जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये $42 बिलियन का रहा था। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। बात करें टॉप कंट्रीज की जहाँ से भारत में एफडीआई देखने को मिली है तो हर बार की तरह सिंगापुर यहाँ पर टॉप इन्वेस्टर रही है। $11.77 बिलियन की एफडीआई सिंगापुर से आई है। $7.97 बिलियन के साथ में मॉरिशस दूसरे नंबर पर, $4.99 बिलियन के साथ में यूएस थर्ड नंबर पर, $4.93 बिलियन के साथ में नीदरलैंड्स फोर्थ नंबर पर जबकि $3.17 बिलियन के साथ जापान यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है। इसके बाद यूएई, यूके, साइप्रस, जर्मनी, केमैन आइलैंड्स इस तरह के कंट्रीज का नाम आता है। होपफुली उम्मीद यही है कि इस साल हमें ये नेट एफडीआई में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट अर्बनाइजेशन को लेकर है जहाँ पर दोस्तों देश में अर्बनाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 14 सिटीज के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान बनाने वाली है और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ इन सिटीज के ग्रोथ पोटेंशियल को भी मैक्सिमाइज किया जाए। दोस्तों ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो बेसिकली एक ऐसा प्लान है जिसके अंतर्गत एक रेल लाइन या फिर मेट्रो लाइन के अगल बगल रेजिडेंशियल, कमर्शियल और वर्किंग स्पेसेस डेवलप की जाती हैं। यूजली रेल लाइंस के अगल बगल 500 मीटर के आसपास लैंड को अनमा किया जाता है जहां पर ये सब चीज़ें डेवलप की जाती हैं जिसके चलते इन रेल लाइंस या फिर मेट्रो लाइंस के अगल बगल अर्बन सेंटर्स तो डेवलप होते होते हैं साथ साथ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके अगल बगल इसको बनाया जा रहा है उसके सक्सेस के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जब लोग इसके आसपास रहेंगे तो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बड़े स्केल पर किया जाएगा। जापान में ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट हर एक बड़ी सिटी में देखने को मिलेगी और जापान उन स्टार्टिंग कंट्रीज में से है जिन्होंने सबसे पहले इस तरह के प्लान्स को अडॉप्ट किया था और यही रीज़न माना जाता है कि जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी बेहतर है और काफ़ी सक्सेसफुल भी है। अभी इसी के बेसिस पर हमारे देश की वो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है उनके लिए ऐसा प्लान बनाया जाएगा। इनिशियली 14 सिटीज़ को इसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा और अभी क्योंकि जस्ट एक अनाउंसमेंट है तो अभी इसका एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसको लेकर आगे चलकर कई सारी अपडेट्स आएंगी वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है जहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने हापुड़ सिटी के लिए एक नया कन्वेंशन सेंटर भी अप्रूव कर दिया है और हापुड़ पिलखुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि वो इसको बनाए। दोस्तों एक कन्वेंशन सेंटर एक मीडियम स्केल का सेंटर होगा जो कि आनंद विहार स्कीम के सेक्टर एच में बनकर तैयार होगा। 17,401 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा और ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाएगा जिसमें मॉडर्न सिविक अमेनिटीज जैसे कि एडवांस्ड ऑडियो विजुअल सिस्टम, लाइटिंग, फायर अलार्म्स, एलिवेटर्स, एक सोलर प्लांट, वाइब्रेंट इंटीरियर्स और मॉड्यूलर सिटिंग और अलग अलग टाइप का फर्नीचर यहाँ पर बनाया जाना है या फिर सेटअप किया जाना है। अभी इसको लेकर लैंड शॉर्टलिस्ट कर ली गई है। हापुड़ पिलखुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको लेकर एक कंसल्टेंट को हायर करने का काम स्टार्ट कर दिया है। वो एक ऐसी एजेंसी होगी जो इसके लिए डीपीआर प्रिपेयर करेगी और उसी के बेसिस पर ही इसको डेवलप किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।